बच्चे हैं जिनके अंदर कुछ ज्यादा खुशी है। बस रुक जाइए, बात कर लेते हैं, बात कर लेने दीजिए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रामनगर में शोषित वंचित महासम्मेलन में मैं मौजूद हूं। यहां पर जिस तरीके से मंच को सजाया गया है, आप देख सकते हैं मंच पर शोषित वंचित समाज सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और हमारे साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के छोटे लीडर, छोटे नेता जिनसे हमारी मुलाकात हुई है, जो दहाड़ते हैं उनसे ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान, आज असदुद्दीन अवैसी आने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, असदुद्दीन अवैसी साहब यहाँ पर आने वाले हैं और मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ कि जितनी जल्दी आए और मैं उनका इस्तकबाल करूँ। ऐसा लग रहा है कि अवैसी साहब के आने से विरोधियों के होश उड़ चुके हैं। हमको लगता है उत्तर प्रदेश में इस बार अवैसी साहब नजर आएंगे। लेकिन जिस तरीके से अदर पार्टियां अपनी अपनी ताकतें झोंक रही हैं, आपको क्या लगता है इससे कुछ फर्क पड़ेगा? इससे भाई साहब कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, सिर्फ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूपी के अंदर लहराएगा। लेकिन अकेले कैसे चुनाव जीत लेंगे? जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह पे भरोसा करके जीतेंगे। कौन सी ऐसी बात आपको पसंद आई ओवैसी की कि आप उनके दीवाने हो गए? ओवैसी साहब की बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमको पसंद आई हैं, जैसे कि संसद भवन के अंदर ओवैसी साहब हर मुद्दे को उठाते हैं। ओवैसी साहब हर मुद्दे को उठाते हैं। त्रिपुरा में मस्जिदें गिराई गई, उसके अलावा कोई बोला? सिर्फ ओवैसी साहब संसद के अंदर बोले, बाकी कोई बोलने वाला नहीं आया यहाँ पर। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 20 साल। 20 साल और छोटे हैं और इतना भयानक बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं, जो हक है हक बात पे बोलेंगे इंशाल्लाह। डर नहीं लगता है क्या? डरते हैं, मौत से कभी नहीं डरते हैं। योगी जी से भी नहीं डरते हैं? योगी जी कहीं खेत की मूड़ी थोड़ी है, किसी से नहीं डरते हम। तो आज ये जो सम्मेलन है, सम्मेलन से आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज देंगे इंशाल्लाह, आगे चल के बताया जाएगा क्या मैसेज मिलेगा। आएंगे, बताएंगे, सुनेंगे, फिर अमल करेंगे। हाँ, फिर अमल करेंगे। तो ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के छोटे कार्यकर्ता, उम्र ज्यादा है लेकिन अगर उनकी कद की बात किया जाए तो छोटे हैं, लेकिन बात बहुत बड़ी बड़ी है। जुड़े रहे और देखते रहे मोहम्मद साहब।